हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। आज हम आई की मात्रा की एक्सरसाइज करेंगे। तो सभी अपनी हिंदी की बुक निकालो, पेज नंबर 38। राइट हियर डेट 8/7/21। ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज। रंगीन शब्दों की जगह उनसे मिलते अर्थ वाले शब्द बॉक्स से चुनकर लिखिए। फर्स्ट, मैना वृक्ष पर बैठी थी। अब वृक्ष की जगह पे हमें इसमें से कौन सा शब्द लेना है? वृक्ष मीन्स पेड़, तो हमें ये पूरा वाक्य यहां लिखना है। तो लिखो, मैना पेड़ पर बैठी थी। नंबर टू, रैना अपने गृह गई। गृह गई, अब गृह की जगह पे गृह मीन्स घर, तो गृह की जगह हम लिखेंगे घर। रैना अपने घर गई। नंबर थ्री, गीत बड़ा ही मीठा था। अब हमें मीठा की जगह पे क्या लिखेंगे इसमें से? मधुर। गीत बड़ा ही मधुर था। नंबर फोर, मैना गीत गा रही थी। तो हम गीत की जगह पे कौन सा शब्द लिखेंगे? गाना। तो लिखो, मैना गाना गा रही थी। मैना गाना गा रही थी। एक्सरसाइज टू, चित्र देखकर शब्द सीढ़ी पूरी कीजिए। सब सीढ़ी पूरी करना है चित्र को देख के। फर्स्ट है, लिखा हुआ है ऑलरेडी, मैना। ये क्या है? मैना। अब इसको, ये वाला क्या है? ये क्या है? नाक। तो ये ना लिखा हुआ है, हम इसको क लिखेंगे यहाँ पे। तो ये सब बन जाएगा नाक। अब है पेन। पेन को क्या बोलते हैं हिंदी में? कलम। तो ये बन गया कलम। ओके, अब है म। ये क्या है? मछली। तो म और ली लिखा हुआ है, हम बीच में लिखेंगे छ से चाता। तो बन गया मछली, मछली। अब ये क्या है? लीची। अब ली लिखा हुआ है तो ची लिखेंगे हम, तो ये बन जाएगा लीची। अब ये बन गया चील, ये बर्ड का नाम है चील। अब ये कौन है? लड़का। अब ल और का लिखा हुआ है, हम बीच में लिखेंगे ड, तो ये बन जाएगा लड़का। अब का लिखा है और दो लिखने हैं हमको, ये क्या है? काजल, आंखों में डालते हैं ना काजल। तो लिखो का ज ल, काजल हो गया। अब ये दूसरा वर्ड बन, शब्द बन गया लता। बेल है ना, इसको बोलते हैं लता। और अब उसको मिलाया तो ये वर्ड बन गया ताला, ये रहा ताला। अब लास्ट है, ये कलर है, कौन सा कलर है? रेड। क्या बोलेंगे उसको? लाल। तो लाल लिखा हुआ है, यहां लिखेंगे हम ल। बन गया ना, मैना नाक कलम मछली लीची लड़का काजल लता लाल। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 39, एक्सरसाइज 3।
दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। हमें विलोम शब्द लिखना है। इंग्लिश में ऑपोजिट बोलते हैं ना, वैसे हिंदी में विलोम शब्द लिखना है, उल्टे अर्थ वाले। बढ़ाई लिखा हुआ है, उसका विलोम शब्द है घटाई। अब यहाँ पे लिखा है बैठ, तो उसका उल्टा होगा उठ। तो लिखो यहाँ पे उठ। सुबह, सुबह का उल्टा क्या होगा विलोम शब्द? शाम, शाम। जाना, अब जाना का उल्टा होगा आना। एक, तो एक से ज्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे? अनेक। अनेक। रात, रात का क्या होगा? दिन, दिन। अपना, तो अपना का उल्टा पराया, पराया, पराया। ऊपर, तो ऊपर का उल्टा नीचे। ठीक है, ये एग्जाम में भी आएंगे विलोम शब्द। बढ़ाई घटाई, बैठ उठ, सुबह शाम, जाना आना, एक अनेक, रात दिन, अपना पराया, ऊपर नीचे। अब नंबर फोर, बॉक्स में दिए गए शब्दों को पढ़िए तथा चित्रों की सहायता से एक एक शब्द बनाइए। ये दो बॉक्स दिए हुए हैं, इन दोनों बॉक्स में से शब्दों को मिलाकर लिखना है। जैसे यहाँ पे, यहाँ से लिया देव, तो यहाँ से लिया दार, देवदार। ये एक ऑलरेडी लिखा हुआ है, अब हम नंबर टू पे लिखेंगे। नंबर टू, और चित्र भी देखना है हमको। ये क्या है? लालटेन। तो यहाँ से लेंगे हम लाल और यहाँ से लेंगे टेन, और दोनों को मिला के लिखेंगे। लाल टेन, ठीक है। फिर है, ये क्या है? पैरासूट। तो यहां से लेंगे हम पैरा वर्ड और यहां से लेंगे सूट। तो लिखो पैरा सूट, ठीक है। अब उसके बाद है, ये क्या है? मैम पढ़ा रही है बच्चों को। कहाँ पढ़ाती है मैम? स्कूल में। तो स्कूल को हिंदी में क्या बोलेंगे? पाठशाला। तो यहां से लेंगे हम पाठ और यहां से लेंगे साला, पाठशाला। पाठशाला। अब है ट्रेन, ट्रेन है तो इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? रेल, रेलगाड़ी। तो यहां से लेंगे हम रेल और यहां से लेंगे गाड़ी। तो लिखो रेल गाड़ी, रेलगाड़ी। अब है, ये क्या है? ये बैलगाड़ी। तो यहां से लेंगे बैल, यहां से लेंगे गाड़ी। बैल गाड़ी। आ गया समझ में सबको? देवदार, लालटेन, पैरासूट, पाठशाला, रेलगाड़ी और बैलगाड़ी। सब ये सारा होमवर्क आपको जोर जोर से पढ़ते हुए, रीडिंग करते हुए लिखना है। ओके, बाय।